गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बदलनी शुरू कर दी हैं। इसका सबसे बड़ा असर सपा बसपा गठबंधन में मायावती की रणनीति पर देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस का यह मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। प्रियंका कार ने सपा बसपा गठबंधन को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जहां बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना नहीं है, तो वहीं मुस्लिम वोटरों के रुख को देखते हुए लोकसभा सीटों व टिकटों को लेकर नए सिरे से मंथन भी किया जा रहा है। बता दें, प्रियंका गांधी को 23 जनवरी को कांग्रेस का राष्ट्र सचिव बनाने व पूर्वी जिलों का प्रभारी बनाने की घोषणा से कांग्रेस को हल्के में ले रहे बसपा सपा नेतृत्व में बेचैनी बढ़ गई है। राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर लड़ने और साल 2022 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का लक्ष्य तय करने से गठबंधन के सामने नए सिरे से चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। प्रियंका की एंट्री के मद्देनजर मुसलमानों के बदलते तेवरों को देखकर मायावती ने बिजनौर जिले की नगीना संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का मन भी बदल दिया है। नगीना से पूर्व विधायक गिरीश चंद्र जाटव अब बसपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। मायावती के अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी, लेकिन अब यहां से राकेश पांडे को ही टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही करीब 2 दर्जन स्थानों पर घोषित किए गए लोकसभा प्रभारियों में से भी कुछ को बसपा बदल सकती है। ध्रुवीकरण बढ़ने से बचने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार कम से कम उतारने का विचार था, लेकिन अब बसपा मुसलमानों को जोड़ने के लिए टिकटों में भागीदारी भी बढ़ाने पर मंथन कर रही है। यही नहीं, अब टिकट देने में आर्थिक स्थिति के साथ साथ ही पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक और बसपा सरकार में मंत्री रहे नेताओं के नाम पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।